प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने जो सुसीर वाद्य है और तत्व वाद्य है इनके बारे में देखा। सुसीर है जो फूक से बजने वाले थे, इनके बारे में देख लिया। तत्व है जो तार से बजने वाले थे, इनको अपन ने देख लिया। और आज मित्रों अपन बात करेंगे अवनध या ताल वाद्य यंत्र, यानी जो चमड़ा जिस पर मंठा रहता है उनके अपन बात करेंगे। एक सूत्र बनाया है और उस सूत्र में देखिए मैं पिरोता हूँ कौन कौन से जो आपके इसमें यंत्र आएंगे। एम के डैड, एम के डैड डाडी डाढ़ी, धोता धोता, नोन चक के दमक। देखिए एम के डैडी का नाम है और वो डाढ़ी बना रहे हैं। डाढ़ी ढोते समय वो लोन चक रहे हैं, यानी नोन का मतलब नमक, यानी किसी ने बता दिया साहब दाढ़ी बनाते समय नमक चखने से और चेहरे पे ग्लो आता है। तो ये आपका सूत्र है। इसमें देखिए अपन कैसे कैसे बनाएं, एक दो तीन, यहाँ पर देखिए आपका चार, और यहाँ पर देखिए आपका पाँच और छः, यहाँ पर देखेंगे आपका सात और आठ। डी से कुछ नहीं बनता है, धो से आपका नौ और ता से दस नंबर पे, इसके बाद में ग्यारह, इसके बाद में बारह, इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर तेरह और ये चौदह। इससे कुछ नहीं बनेगा आपका के से, और उसके बाद में है पंद्रह, सोलह और मित्रों ये है सत्रह। एक बार मैं इनको लिख देता हूँ। देखिए मित्रों अपन पहले बात करें मादल की, दूसरा जो आपका है माठ, तीसरा है आपका डेंरू, चौथा है आपका डमरू, और इसके बाद में आपका है डफ, इसके बाद में डफ है। नेक्स्ट अपन देखें तो आपका डेरू हो गया, डमरू हो गया, डफ हो गया, और आपका ये अपन कुछ भूल तो नहीं रहे। देखिए मादल माठ, इसके बाद में अच्छा मादल माठ के भूल गए साहब अपन बीच में। एक बार देखिए दोबारा अपन देखते हैं, तीसरे नंबर पे है कुंडी, अब आ जाएगा आपका डेरू, अब आ जाएगा आपका डमरू, अब आ जाएगा आपका डफ, अब आ जाएगा आपका ढासे। देखिए क्या होता है, ढाक ढोलक, और मित्रों आपका होता है ढोलक, और देखिए नौ नंबर पे अपन बात करें धोसा, दस नंबर पे देखेंगे आपका है तासा है, इसके बाद में देखिए आपका है ग्यारह नंबर पे नौबत, इसके बाद अपन देखेंगे आपका जो बारह नंबर पे है वो नौबत के बाद में नगाड़ा है, और इसके बाद में देखेंगे आपका चंग, इसके बाद में आपका है चौदह नंबर पे खंजरी, इसके बाद में पंद्रह नंबर पे अपन देखेंगे आपका है दस नंबर पे दमामा, इसके बाद में आप देखेंगे मैसे मृदंग, और मृदंग का दूसरा नाम पखावज भी है मित्रों। इसके बाद में अपन बात करते हैं सत्रह नंबर पे आपका है कमर भी आपका एक वाद्य यंत्र है। देखिए अब अपन की डिटेल से बात करते हैं। देखिए सूत्र है एम के डेड डाडी दोता नोन चक के दमक। अच्छा इसमें मादल आ गया आपका, माठ आ गया, कुंडी आ गया, डेरू आ गया, डमरू आ गया, डफ आ गया, डाक आ गया, ढोलक आ गया, दोसा आ गया, तासा आ गया, नौबत आ गया, नगाड़ा आ गया, चंग आ गया, खंजरी आ गया, दमामा आ गया, मर्दन गया, पखावज आ गया, कमर आ गया। अब अपन बात करें सब प्रत्येक की डिटेल से बात करेंगे। पहला जो आपका है ये है मादल,
मादल, मादल वाद्य यंत्र है इसमें क्या मिट्टी का निर्माण होता है, सब मिट्टी से निर्मित होता है, निर्माण होता है इसका मिट्टी से, फिर इसको पकाया जाता है, मिट्टी से निर्माण होता है, पकाया जाता है इसको। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, बील ग्रासिया के द्वारा इनका प्रमुख वाद्य है, बील ग्रासिया ये इनका सब इनका प्रमुख वाद्य ये होता है। इसके बाद में मादल के बाद में अपन दो नंबर पे देखें, माठ, माठ है पाबूजी, पाबूजी है इसके पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े गाते समय, पाबूजी के गीत, बाबूजी के पवाड़े गाते समय नाइक जाति के भोपे हैं ये सब इसको बजाते हैं। इसके बाद में कुंडी है, कुंडी 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 देखिए यह है मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी वैसे ही पकाया जाता है इसको मिट्टी, और उसके बाद में इस पर खाल चढ़ा करके बनाया जाता है, सब खाल चढ़ा करके बनाया जाता है। ये हुआ कि आपकी कुंडी, सब डेरू आप जानते हो, कोई विशेष बात नहीं है डेरू में। देखिए आपका 1 2 3 आपका फोर्थ नंबर पे आ गया डेरू, डेरू ये देखिए आम की लकड़ी का, आम की लकड़ी का बना रहता है और इस पर बकरे या भेड़ की खाल चढ़ा करके ये बनाया जाता है, और मुख्यतः गोगा जी हैं, गोगा जी के जो भगत हैं उनके द्वारा डेरू है ये है बजाया जाता है मित्रों। इसके बाद में अपन बात करें डमरू, डमरू है यह है शिव का वाद्य यंत्र है, शिव का वाद्य यंत्र है, प्राचीन वाद्य यंत्र हो गया, सब वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन ही हो गया ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए डफ, डफ है यह है लकड़ी, लकड़ी के घेरे पर खाल चढ़ाकर, लकड़ी के घेरे पर खाल चढ़ाकर डफ है यह है बनाया जाता है। इसके बाद में आपका अपन बात करें तो जो आपका सातवें नंबर पे देखिए, सातवें नंबर पे ढाक आ जाएगा, सातवें नंबर पे आपका है ढाक, ढाक ये सब गुज्जर जाति, गुज्जर जाति है, ढाक है ये बजाती है ढाक, और इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं, सब आकार इसका जो होता है ना आकार, ढाक का आकार ये डैरू के समान होता है, डैरू के समान, और कोई विशेष बात नहीं है। अब अपन बात करें तो यहाँ पर ढोलक है, ढोलक में देखिए आप क्या महत्वपूर्ण बातें हों, ढोलक में ढोलक देखेंगे, ढोलक पता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अपन बात करें आपका 9वें नंबर पे धोसा है, धोसा, धोसा में देखिए, धोसा में अच्छा क्वेश्चन बनता सा, भैंस की खाल का, भैंस की खाल का बना रहता है, और मुख्यतः यह है दुर्ग, दुर्ग और मंदिरों में प्रयुक्त होता है। देखिए दोबारा देखिए मित्रों, मादल की बात करें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, मादल बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है सर, मादल ध्यान में रखना मित्रों, मादल, मादल भील और ग्रासिया इसको बजाते हैं, माठ बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, बाबूजी में पढ़ेंगे जब राजस्थान के लोक देवता करेंगे तब, बाबूजी के पवाड़े गाते समय नायक जाति का भोपा है इसको गाएगा साहब बजाएगा। इसके बाद में कुंडी है कोई विशेष बात नहीं, डेरू है कोई विशेष बात नहीं है, डमरू कोई विशेष बात नहीं, डफ है जानते हो आप, ढाक है ये देख लो ढाक है साहब, गुज्जर जाति के भोपे इसको बजाते हैं, आकार डेरू की तरह होता है, ढोलक है आप सभी जानते हो, धोसा अच्छा क्वेश्चन बनता है, धोसा, धोसा है सब एक बड़ा नगाड़ा होता है, बड़ा नगाड़ा होता है भैंसे की खाल का यानी पाड़े की खाल का, पाटे की खाल का बना रहता है, और आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर सब ऐसे दम लगा कर इसको नगाड़े की तरह ऐसे बजाया जाता है, जिसमें दम होता है वही बजा सकता है साहब इसको धोसे को, और ये सब दुर्ग और मंदिरों में बजाया जाता है, दुर्ग और मंदिरों, प्राचीन समय में दुर्गों में इसे बजाया जाता था। अच्छा मित्रों इसके बाद में अपन बात करें आगे, देखिए आपका धोसा हो गया, धोसा के बाद में अपन बात करेंगे तासा की, नोट डाउन करते रहो सब साथ साथ में, तासा की बात करें, तासा मोरम में बजाया जाता है मित्रों, देखिए तासा, तासे तासा के अपन बात कर रहे हैं, तासा देखेंगे आप 10 नंबर पे आपका है तासा, तासा मोहर्रम में बजाया जाता है मुस्लिम समाज के द्वारा। देखिए कुंडी होती है स्टील की मान लो, धातु की मान लो, और उसके ऊपर एक चमड़ा लगा रहता है, और उसके बाद में दो ताड़ियों के साथ में इसको ऐसे ऐसे बजाया जाता है, ये सब तासा है, तासा। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए नौबत, नौबत है
सब डिग्गी के अंदर मंदिर है कल्याण जी का, बाजे से नौबत बाजा मारा, डिग्गी पूरी करा जाए, भजन भी है ना, तो वो नौबत है सब। ये नौबत देखिए नगाड़े के आकार का होता है, नगाड़े के आकार का। इसके बाद में देखिए नौबत के बाद में, नौबत के बाद में देखिए नगाड़ा, सभी को बताया सब। नगाड़ा कुंडी के ऊपर चमड़ा बंडा रहता है, नगाड़े में राजसी और गौरव का प्रतीक है, राजशाही और गौरव का प्रतीक है। गौरव का प्रतीक कैसे है सर, राजशाही कैसे ही? प्राचीन जमाने में सब नगाड़ा है ये प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता था, और नगाड़ा है ध्वज है राजकीय चिन्ह है, ये भेंट किए जाते थे सब, इसलिए राज्य का गौरव है या गौरव का प्रतीक है ये। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए 13 नंबर पे चंग, कोई विशेष बात नहीं है, डफ की तरह होता है। और देखिए खंजरी, खंजरी खंजरी देखिए मित्रों आप, खंजरी है ये है, खंजरी में आप देखेंगे तो एक आप छोटा एक घेरा होता है, खंजरी में छोटा एक घेरा होता है, उस घेरे के अंदर उसके ऊपर उसके ऊपर है एक जानवर होता है घेरा, जैसे गोयरा भी बोला जाता है, उसकी खाल लगा करके ये बनाया जाता है सब। जो कालबेरिया जो आपका समाज है वो इसे लेकर आता है सर। पीतल की चक्री लिख देता हूं, पीतल की चक्री, छोटी चक्री इस प्रकार से, और इसके ऊपर गोरे की खाल, गोहिरे गोहरा की खाल है, जिसे अपन राजस्थानी में हमारे यहां से खबाटी में तो घेरा कहा जाता है, घेरा कहा जाता है इसको, वास्तव में गोहरा शब्द होता है, इसकी खाल का बना रहता है ये। इसके बाद में अपन बात करें कालबेलिया जो है बीड़ के साथ में संगत में इसको काम लेते हैं। खंजरी के बाद में अपन बात करें दमामा, दमामा देखिए, दमामा में देखिए मित्रों आप, दमामा या टोटम बोल दो इसको, टोटम टोटम कढ़ाई, कढ़ाई पर चमड़ा, कढ़ाई पर चमड़ा लगा करके यह मुख्यतः युद्ध स्थल में काम आता है, युद्ध स्थल में बजाया जाता है इसको। इसके बाद में देखिए आप दमामा के बाद में मृदंग है, मृदंग है मित्रों, मृदंग मृदंग है, और मृदंग को अपन बोलते हैं पखावज, पखावज मृदंग को पखावज। अच्छा क्वेश्चन बनता है मृदंग या पखावज, मादल, मादल अपन ने पढ़ा, मादल का परिष्कृत रूप यानी सुधरा हुआ रूप, परिष्कृत रूप है ये, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कमर, कमर भी इसी में आपका अवनद में एक वाद्य यंत्र है, ज्यादा कुछ कमर के बारे में देखिए अलवर और भरतपुर में बजाते हैं ये, और देख लो आप अलवर भरतपुर में इसको बजाया जाता है, बाकी कोई विशेष बात नहीं इसमें। दोबारा देखिए मित्रों अपन बात कर रहे हैं ताशा, अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ एग्जाम में, मुहर्रम के समय मुस्लिम समाज बजाता है, नौबत है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, नगाड़े के आकार का होता है, नगाड़ा है ये आपने देख लिया, गौरव का प्रतीक है सब, कभी बन जाए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बन जाए ये सब। निम्न वाद्य यंत्रों में गौरव का प्रतीक कौन सा वाद्य यंत्र है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने सब। चंग खंजरी कोई विशेष बात नहीं है, खंजरी। इसके बाद में देखिए दमामा, अच्छा क्वेश्चन है, दमामा है कढ़ाई के कमर के बारे में अपन बात कर रहे थे, ये वाद्य यंत्र है, अलवर और भरतपुर में इसको बजाया जाता है। बार देखिए अपन बात कर रहे हैं ताशा की, अपन ने बात कर ली, अच्छा क्वेश्चन है, मोहरम है, नौबत की बात कर ली, नगाड़े के आकार का है, नगाड़ा है गौरव का प्रतीक है, अच्छा जी दमामा है कढ़ाई के आकार का होता है, कढ़ाई के आकार का युद्ध स्थल पर बजाया जाता है, और मृदंग है ये भी अच्छा क्वेश्चन बने सब, मृदंग, मृदंग के बारे में देखिए, मृदंग है, मृदंग को पखावज भी कहते हैं सब, और मादल का परिष्कृत रूप है ये, और कमर देखिए कमर है यह है आपका अलवर और भरतपुर में बजाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मित्रों आपका घन वाद्य यंत्रों की, देखिए घन वाद्य यंत्र बता रहा हूं, घन वाद्य यंत्र है सर, घन वाद्य यंत्र यानी चोट की आघात से धातु के बने रहते हैं, धातु के तो बने रहते हैं और आपस में टकराने से इनकी जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं घन, और घन वाद्य यंत्र आपका जो घन वाद्य यंत्र है इसमें देखेंगे आप घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र
घन वाद्य यंत्र मित्रों, इसमें देखिए एक सूत्र बना रखा है, श्री श्री महा खक, श्री महाखक रथ से झांक घुटी भर, झांक घुटी भर, घुटी भर चीख ले, घुटी भर चीख ले। ये आप सूत्र बना दिया सर, इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, से कुछ नहीं है, झांक से, घुटी, घू से, और टी से, और भर से, चीज से, और आपका खैसे है, और ले से। देखिए कैसे कैसे अपन इसमें बात करेंगे, खैसे कुछ नहीं बनेगा, चीख से, ची से बनेगा, ची से। देखिए यहाँ पर अपन बात करें एक, और यहाँ पर दो तीन, नेक्स्ट है चार पांच छ सात, और यहाँ पर है आठ नौ दस ग्यारह, नेक्स्ट अपन बात करें बारह तेरह चौदह और पंद्रह। देखिए आपका है, बता रहा हूं मैं, श्रीमंडल दो नंबर पे, श्रीमंडल के बाद में आप देखेंगे मंजीरा, श्रीमंडल में के बाद में मजीरा, और मजीरा के बाद में अपन बात करें तो यहां पर देखिए हाकल, हाकल, हाकल के बाद में अपन देखेंगे यहां पर आपका है हाकल आ गया, खैसे, खैसे देखेंगे खड़ताल, खड़ताल, इसके बाद में अपन देखेंगे आपका खड़ताल के बाद में आपका है करताल, करताल और करताल में विशेष फर्क नहीं होता मित्रों। इसके बाद में अपन छह नंबर पे आपका देखेंगे रमझोल, रम झोल, और सातवें नंबर पे अपन देखेंगे आपका थाली, थैसे थाली आ गया, थैसे थाली आ गया। इसके बाद में देखेंगे अभी आपका आठवें नंबर पे है झांझ, नौवें नंबर पे है जालर, और दसवें नंबर पे है आपकी घुंघरू, घुंघरू। इसके बाद में आपका 11 नंबर पे, 11 नंबर पे अपन बात करें, 11 नंबर पे आपका घुंघरू, घुंघरू के बाद में टिकोरी, टिकोरी, देखिए मित्रों टिकोरी है। इसके बाद में अपन बात करें भर, भर से हो गया भरनी, भरनी। इसके बाद में 13 नंबर पे आप देखेंगे चिमटा, चिमटा, और चिमटे का एक रूप होता है चीपिया, चीपिया। इसके बाद में आपका है लेजिम, 15 नंबर पे देखिए मित्रों लेजिम। तो आपका ये सूत्र हो गया, और सूत्र हो गया घनवाद्य का, घनवाद्य के अपन बात कर रहे हैं, घनवाद्य में देखेंगे, घनवाद्य में आपका है सूत्र है श्री महाखख रथ से झांक गुट्टी भर चीख ले। देखिए श्रीमंडल, मजीरा, हाकल, खड़ताल, करताल, रमझोल, थाली, झांच, मजीरा, घुंघरू, टिकोरी, बरनी, चिमटा, चीपिया और लेजिम। अब अपन मित्रों इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं प्रत्येक को, कैसे कैसे इसमें कैसे कैसे महत्वपूर्ण बातें होंगी, ये देखिए हम। पहले अपन ने समझ लिया है श्रीमंडल की बात करें, श्रीमंडल एक नंबर पे सर, श्रीमंडल है, श्रीमंडल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़े सर। देखिए लकड़ी के स्टैंड पर, लकड़ी के स्टैंड पर, लकड़ी के स्टैंड की बात कर रहा हूं, लकड़ी के स्टैंड पर कस्से, लकड़ी के स्टैंड पर कस्से और तांबे, कस्से और तांबे के 8 से 16 टंकारे लगे रहते हैं सब, 8 से 16 टंकारे लगे रहते हैं, और इनको ऐसे बजाया जाता है। ये हो गया आपका श्रीमंडल। इसके बाद में देखिए मजीरा, मजीरा, मजीरा ढक्कन के आकार के धातु का आपस में रगड़ने से बजाए जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है मजीरा। इसके बाद में देखिए हाकल, 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 ये साकल होती है, साकल मेवाड़ में
जो है आपका दक्षिणी जो राजस्थान है उसमें सह को है कहा जाता है, तो साकल है ये, जैसे गोगा जी के भगत हैं ये इसको बजाते हुए और अपने शरीर के ऊपर मारते हैं, सब वही है ये साकल या हंकल। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए खड़ताल है आपकी, खड़ताल खड़ताल है मित्रों, खड़ताल खड़ताल है, बांस की पट्टियां होती हैं और इन पट्टियों को अंगुली में लगा करके बजाया जाता है। चार बांस की पट्टियां होती है, चार बांस की पट्टियां होती है इतनी इतनी, उसको अंगुलियों में लगा करके बजाया जाता है। और मुख्य जो इसका वादक है ये आपका सदीक खां मांगणियार है, सदीक खां इसका मुख्य वादक है, जिसे खड़ताल का जादूगर कहते हैं सदीक खां मांगणियार को। इसके बाद में देखिए आपका है करताल, करताल ये भी खड़ताल टाइप का ही होता है, करताल भी कोई विशेष बात नहीं है, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान होता है, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान, बी अक्षर के समान कोई विशेष बात नहीं, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान है। नेक्स्ट अपन देखें यहां पर और क्या महत्वपूर्ण बात बनी सर, करताल के बाद में अपन बात करें रम झोल में कोई विशेष बात नहीं है सर, घुंगरू की पट्टी लगी रहती है इसमें, घुंगरू की पट्टी होती है, घुंगरू की पट्टी मतलब कपड़े के अंदर और घुंगरू है उनको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में पैर में बांधा जाता है, ये रमजोल हो गया आपका। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए थाली, थाली है सब 7 नंबर पे आपका थाली, कोई विशेष बात नहीं है, एक कांसे की बनी होती है और इसमें डोरी फंसा करके और अंगूठे में लगा करके डंके से बजाया जाता है, गोगा जी के भगत है ये बजाते हैं सब इसको, झालर टाइप ही होती है एक तरह से। इसके बाद में अपन बात करें तो थाली के बाद में अपन बात करें झांझ, झांझ झांझ और मजीरा दोनों सब एक साथ में आते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, मजीरा छोटा होता है झांझ बड़ी होती है। इसके बाद में देखिए आपका झांझ के बाद में आपका झालर, झालर है झालर, ये सब अच्छी क्वालिटी की जो झालर बनती है उसमें अष्ट धातु लगी रहती है, वैसे पित्तल की भी झालर बनती है और झालर में है एक तरह से आप ये जो थाली जो है ये तो बड़ा आकार हो गया और झालर है ये छोटा आकार हो गया, जैसे कचौड़ा होता है अपन मारवाड़ी में बोले तो अपना जो कचौड़ा तो उसी टाइप में हो गया साहब ये झालर, कोई विशेष बात नहीं है झालर के अंदर। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका है 10वें नंबर पे घुंगरू, कोई विशेष बात नहीं है घुंगरू की, घुंगरू कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका है एक घुंगरू के बाद में टिकोरी, घुंगरू के बाद में टिकोरी, देखिए घुंगरू में कोई विशेष बात नहीं, लिख देता हूं घुंगरू घुंगरू। इसके बाद में 11 नंबर पे है आपकी टिकोरी, घुंगरू घुंगरू कोई विशेष बात नहीं घुंगरू आप जानते हो सर। टिकोरी में देखिए टिकोरी में क्या सर, घंटा नुमा आकृति होती है, घंटा नुमा आकृति होती है टिकोरी, बड़ा घंटा होता है घंटा नुमा आकृति होती है टिकोरी में। इसके बाद में टिकोरी के बाद में देखिए भरनी, भरनी देखिए मित्रों भरनी में अपन बात करें, भरनी में क्या महत्वपूर्ण बात हो आपकी धातु की रहती है मटके, मटका होता है मटका, मटका मटका के मुंह के ऊपर, मटके के मुंह के ऊपर कांसे की प्लेट लगाई जाती है, कांसे की प्लेट, कांसे की प्लेट और उसके बाद में इसको बजाया जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या बने साहब, देखिए सांप के काटने पर, सांप के काटने पर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस यंत्र का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाए साहब, देखिए एक बार दोबारा समझे, श्रीमंडल है अच्छा क्वेश्चन है ध्यान में रखना, घनवाद्य में है, लकड़ी के स्टैंड पर लकड़ी के स्टैंड में और आपके तांबे या कांसे के 8 से 16 टंकारे लगे रहते हैं, यानी गैप छोड़ छोड़ करके, देखिए इस प्रकार से आपका ये टंकारे हैं ये लगे रहते हैं इस प्रकार से ना, और लकड़ी फंसी रहती है इनके अंदर और इनको पीट पीट कर बजाया जाता है। इसके बाद में मंजीरा है जानते हो आप, हाकल है साकल का ही प्रकार है, खड़ताल है एक अच्छा क्वेश्चन है, खड़ताल सदीक खां मांगणियार है, ये खड़ताल का जादूगर है,
जैसे नारद है उसके हाथों में रहती है ना, उसके बाद में अपन बात करें तो आपका करताल है, ये अंग्रेजी के बी अक्षर का होता है और खड़ताल नुमा ही होता है। रमझोल है, ये भी विशेष बात नहीं, इसके घुंघरू की पट्टियां होती है जो पैरों में बांधा जाता है, एक साथ में चौड़ी पट्टी में समाहित होती है कई घुंघरू। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर आपका थाली है, झांझ है, कोई विशेष बात नहीं, झालर है, घुंघरू है, टिकोरी है। ये देखना, टिकोरी, टिकोरी एक घंटा नुमा आकृति होती है। इसके बाद में भरनी, अच्छा क्वेश्चन बने, भरनी, भरनी में क्या बने, सब कांसे की प्लेट होती है, कांसे की मटके के मुंह के ऊपर कांसे की प्लेट है, ये लगाई जाती है। और सांप काटने पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कभी ना कभी एग्जाम में जरूर बनेगा। इसके बाद में देखें अपन आगे, देखें आपका टिकोरी हो गया, टिकोरी के बाद में देखेंगे अपन भरनी तक हो गया ना, भरनी के बाद में चिमटा देखें, चिमटा है इसमें, देखिए क्या महत्वपूर्ण बात बने सब, चिमटा है आप जानते हो, कोई विशेष बात नहीं है, चिमटा, चिमटे में देखिए साधु सन्यासियों के द्वारा, चिमटा साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है। और चीपिया, चीपिया है ये भी एक चिमटे का प्रकार है। और आपका है लेजिम, लेजिम, लेजिम में देखिए, लेजिम है बांस की लकड़ी, बांस की लकड़ी के बांस की लकड़ी का बना होता है, धनुष के आकार का है, धनुष के आकार का, और इसमें घुंघरू भी बंधे रहते हैं भी। और गरासिया ना, गरासिया, गरासिया जाती है वो इसे बजाती है सब। एक अपन यहाँ पर एक चीज और रह गई आपकी, कागरच, कागज भी देखा होगा आपने, झुमके का आकार का होता है, मैं बता देता हूँ बीच में अपने सूत्र में शायद वो भूल गए उस चीज को, कागज को, तो कागज है वो भी देख लेंगे कैसे ही बनेगा आपका, वो एक आपका कागज है यहाँ पर, कागज है, कागज है, वो भी आप देख लेंगे, कागज बनता है इसमें, कह में जोड़ दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे आपका ये करताल आ गया, कागरच आ गया, एक बात बन जाती है। देखिए कागरच है, इसमें देखें अपन कागरच में जो अच्छे क्वेश्चन बने वो देख ले एक बार, कागरच का और देख लेते हैं अपन, कागरच, कागरच में क्या बात बने सब, कागरच में जो है ये बांस की छोटी नालियों से बना होता है, बांस की छोटी नालियों, बांस की छोटी नालिका है, या बांस की छोटी नालिका के तरह समझो आप, छोटी छोटी नालिकाएं होती हैं बांस की, उससे बना होता है। और झुमके की तरह इसका जो आकार होता है, ये झुमके का जो आकार होता है, गहना जो होता है ना, झुमके के समान होता है, ये झुमके के समान होता है कागज। देखिए एक बार अपन बात करें, चिमटा, चीप या लेजिम, कोई विशेष बात करूं, लेजिम है एम देख लेंगे आप, जो अच्छा क्वेश्चन बढ़ जाए लेजिम में, के बढ़ जाए क्वेश्चन, धनुष के आकार का, धनुष के आकार का, गरासिया है ये बजाते हैं सब इसको, देखिए धनुष के तो आकार का है, धनुष के तो आकार का है, और गरासिया है ये बजाते हैं इसको। एक कागज है, ये अच्छा क्वेश्चन बजाए सब, बांस की, बांस है इसकी छोटी नालियों से ये बना होता है, नालिका से बना होता है, और इसका जो आकार होता है ये झुमके के समान होता है, ये आकार होता है इसका झुमके के समान होता है। तो मित्रों अपन ने जो वाद्य यंत्रों में पढ़ा, अपन ने सब सुषिर पढ़ लिया, गण वाद्य पढ़ लिया, और आपका अवनत वाद्य पढ़ लिया, और आपका अपन ने चार प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, घन वाद्य है ये देख लिया, चारों प्रकार के अपन ने वाद्य देखे, सूत्र के हिसाब से भी देख लिए, सारी डिफिनेशन मैंने बता दी आप लोगों को। इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात।